अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आज की मेरी वीडियो बड़ी ही यूज़फुल है। मैं आपको डिफरेंट तरह के ग्रीन वेजिटेबल को लॉन्ग टर्म के लिए सेव करने का तरीका बताऊंगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि स्प्रिंग अनियन को मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है। स्प्रिंग अनियन यूजुअली हमारी 1 वीक में ही बिल्कुल मुरझा जाती है। इस तरीके से हम स्प्रिंग अनियन को 1 मंथ तक अपने फ्रीजर में फ्रीज रख सकते हैं और ये बिल्कुल फ्रेश रहती है। जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसको फाइनली चॉप कर लिया है, वाइट पार्ट को भी चॉप कर लिया है और हमें इसको ड्राई कर लेना है। गीली स्प्रिंग अनियन को बिल्कुल भी मत सेव कीजिएगा, इसको पहले ड्राई कीजिएगा। फिर हमने इसको एयर टाइट बैग के अंदर डाल के अच्छे तरीके से उसकी सारी अंदर से हमने एयर निकाल देनी है ताकि कोई भी अंदर एयर ना रहे, और उसको अच्छे तरीके से हमने ऊपर से सील कर देना है। इस तरीके से आप स्प्रिंग अनियन को 1 मंथ तक सेव रख सकते हैं। बस मेक श्योर कीजिएगा जब भी आपको इसको यूज़ करना है उसी टाइम इसको निकालें और यूज़ कर लें। पहले डिफ्रोस्ट मत करिएगा, अदरवाइज़ इसका कलर चेंज हो जाएगा। बस जब आपने इसको पकौड़ों में या किसी भी चीज़ में आपने इसको यूज़ करना है, फ़ौरन ही आप इसको निकाल के मिक्सचर में ऐड कर दें। मैं भी अभी रमज़ानों में मैंने 2 या 3 रोज़ों में स्प्रिंग अनियन के ही पकौड़े बनाए और इसी को यूज़ किया। बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश ही रही है। तो इसको इस तरीके से अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म आपके पास रह सकती है। सेम वही प्रोसीजर है कोरिएंडर के लिए भी। आप उसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट कर लीजिए। अगर आपको लीव्स कट करने हैं या उसकी स्टिक्स के समेत आपको फ्रीज करना है तो उसको अच्छे से वॉश करके आप कट कर लीजिए। और मेक श्योर ज़रूर कीजिएगा कि ये बिल्कुल ड्राई हो। गीले को आप प्लीज़ फ्रीज मत कीजिएगा, नहीं तो वो मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो जाएगा। देखिए, मैं अच्छे तरीके से मैंने इसको छन्नी में वॉश करने के लिए करके रख दिया था। अब मैं इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर रही हूँ। टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं इसको ड्राई कर लूँगी और थोड़ी देर अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो भी ये खुद ही ड्राई हो जाएगा। कोरिएंडर अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको एयरटाइट बैग के अंदर डाल दूंगी। अगर आपके पास एयरटाइट बैग नहीं है तो आप नॉर्मल वाली शॉपर लेके उसके अंदर डाल के ऊपर से आप उस पर नॉट लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब आपको किसी भी चीज़ में ऐड करना है आप उसी टाइम निकालें और इसको डायरेक्टली ऐड कर दें। प्लीज़ डिफ्रोस्ट मत कीजिएगा, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स जल्दी मुरझा जाती हैं। तो जी जनाब, अब हम आ जाते हैं पुदीने की तरफ। पुदीने को भी आप इस तरीके से फ्रीज कर सकते हैं कि आप उसको उसकी स्टिक्स के ऊपर से अलहदा कर लें। पत्तों को कट मत कीजिएगा क्योंकि एकदम से ब्लैक हो जाएगा। वॉश करके किसी भी टिश्यू पेपर के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर इसको अच्छे से बिछा दें और इसका सारा पानी आप अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। इस तरीके से देखें, या आप इसको धो के वैसे ही छन्नी में छोड़ सकते हैं, ये खुद ही ड्राई हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको ड्राई करके हम एयर टाइट बैग में डाल के रख देंगे। ये आराम से आपका फुल मंथ तक ऐसे ही ग्रीन और फ्रेश रहेगा। बस इसको भी आपने डिफ्रोस्ट नहीं करना है। जब भी आपको किसी सालन में या किसी भी बिरयानी के अंदर आपको ऐड करना है या पकोड़ों में आपको ऐड करना है तो जस्ट उससे आपने 1 मिनट पहले निकाला, इसको ऐड किया और इस पैकेट को वापस आपने फ्रीज़र में रख दिया रिमेनिंग पुदीने को। तो जी व्यूवर्स, अब मैं आपको पालक को सेव करने का तरीका बताती हूँ। मैं आपको अभी 2 वेज बता रही हूँ, इसको और भी आप तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। मैंने इसकी स्टिक्स को अलहदा कर लिया है और लीफ वाले पोर्शन को मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से मैं इसको अभी ड्राई कर रही हूँ। इसको आप अच्छे तरीके से ड्राई कर लीजिएगा और इसी तरीके से हम इसको एयर टाइट बैग के अंदर डाल के फ्रीज कर देंगे। इसको आप पकौड़ों के अंदर भी यूज कर सकते हैं और अगर आपको सालन के अंदर ऐड करना है तो जस्ट आप इसको निकालें, इसको फाइनली चॉप करें और सालन में आप डाल दें। मैंने इसको 1 वीक पहले फ्रीज किया था और मैं अभी इससे पकौड़े बना रही हूँ। बिल्कुल सही और ज़बरदस्त बनते हैं। बस इसका भी एक वही तरीका है कि आप इसको डिफ्रोस्ट मत करिएगा। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी आपने निकाली, बाकी आपने वापस रख दी। पालक हमारी अच्छे से ड्राई हो गई थी। अब मैं इसको एयर टाइट बैग में डाल के सील करके इसकी पूरी एयर निकाल के मैं फ्रीज कर रही हूँ। इस तरह पालक 2 से 3 वीक्स तक आराम से फ्रिज में रह जाएगी। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगी जिससे आप 2 to 3 मंथ तक पालक को फ्रीज कर सकते हैं फ्रिज में। चलिए अब सेकंड वे देखते हैं। यस व्यूअर्स, आपने पालक को अच्छे तरीके से फाइनली चॉप कर लेना है और एक पैन के अंदर डाल के इसको स्लो फ्लेम पे स्टीम कर लेना है। मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, कोई ऑयल ऐड नहीं किया, जस्ट इसको फाइनली चॉप किया है वॉश करके। अच्छे तरीके से इसको वॉश कीजिएगा, इसमें काफ़ी मिट्टी होती है, तो इसको जस्ट हम वॉश कर लेंगे और इसको स्लो फ्लेम पे हम 5 मिनट भी नहीं, बस 4 to 5 मिनट हम इसको स्टीम कर लेंगे। पालक को हमने 4 to 5 मिनट कुक कर लिया है। मेक श्योर कीजिएगा कि पालक अपना कलर ना चेंज करे, ऐसे ही ग्रीन रहनी चाहिए।
बस इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे और एयर टाइट बैग में डाल के हम इसको फ्रीज कर देंगे। इस तरह आप पालक को स्टीम करके 3 मंथ तक फ्रीज कर सकते हैं, अपने फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। जस्ट आपको जब भी सालन बनाना है, आपने निकाला और इसको उसमें ऐड कर दिया, कीमा बनाएं तो उसमें भी आप इजीली इसको ऐड कर सकते हैं, ना कलर में कोई चेंज आता है ना टेस्ट में। इस तरीके से आप बहुत सारी अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स को आराम से फ्रीज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। और स्प्रिंग अनियन भी मैं यूज़ कर रही हूँ, स्पिनिच भी मैं यूज़ कर रही हूँ, सब बिल्कुल वैसे ही फ्रेश फील होती हैं। बस आपने ये करना है कि इसको डीफ्रोस्ट नहीं करना। देखिए मैंने इसको करेले भी मैंने फ्रीज किए थे, ये बिल्कुल वैसे ही 2 मंथ तक आराम से रह जाते हैं। ये भिंडी है, बस आपने इसको वॉश करके कट करके सिंपली फ्रीज कर देना है। ये तुरई है जिसको मैंने 2 वीक्स से फ्रीज किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सही रहता है टेस्ट भी और टेक्सचर भी। आप इस तरीके से बहुत सारी सब्जियों को आराम से फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और राइट साइड पे आपके सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को रमज़ान के बाबरकत महीने में अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।